बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कि हाउ यू कैन इंस्टॉल पाइथन इन विजुअल स्टूडियो कोड। ओके जी, पाइथन अगेन एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद, बहुत एक जबरदस्त सी लैंग्वेज है। आजकल क्रॉस प्लेटफॉर्म और क्रॉस डायमेंशनल लैंग्वेज है, हर तरफ हर जगह यूज हो रही है। चाहे आप AI पे काम कर रहे हैं, चाहे प्रोग्रामिंग में, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट में, चाहे कोडिंग के अंदर, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, हर तरफ। और इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल नाउ डेज के यू अंडरस्टैंड एंड लर्न पाइथन एज वेल, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर और कोडिंग के अंदर एंड प्रोग्रामिंग साइड पे आप एक्सेल करना चाहते हैं। ठीक है जनाब, तो इससे पहले कि मैं और पाइथन का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल करूंगा, थॉट ओके लेट्स जस्ट डू दैट। तो हाउ कैन वी डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन इटसेल्फ, और फिर उसके ट्यूटोरियल आगे नेक्स्ट सेशन में मेरा जो होगा वो कंप्लीट होगा कि अभी पाइथन कैसे है और कैसे उस पर हम काम करते हैं, और पूरा एक तफसीली पाइथन का ट्यूटोरियल हमारे पास आने वाला है। तो उससे पहले लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस कि हाउ यू कैन इंस्टॉल पाइथन इन आवर सिस्टम। तो व्हाट वी डू इज के कम हियर ऑन python.org, इस वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम आ जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर और पाइथन 3.1.06 सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ और खाक नहीं है, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा सेटअप है। यहाँ पे आके तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव एस करके मैंने उसको बता दिया डाउनलोड्स में जाके कि भाई यहाँ तुम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाओ। हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो गई, क्लिक ऑन द ओपन फाइल और हमारे पास ये इंस्टॉलेशन इसका आ गया। बिफोर वी गो फर्दर, इसमें अगेन डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है, आप कस्टमाइज दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें वो ये कि ऐड पाइथन 3.10 टू योर पाथ, ये चीज करना लाजमी है ताकि पाथ पे इंक्लूड हो जाएगा तो फिर विजुअल स्टूडियो पे पाथ आराम से मिल जाएगा। वंस यू डू दैट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ, इट विल आस्क यू कि शुड आई डू दैट, क्लिक ऑन यस, वो USC कंट्रोल आ जाता है, उसके बाद पाइथन इंस्टॉलेशन हो जाएगी बहुत सिंपली एंड बहुत इजीली। गिव इट फ्यू मिनट्स, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। ओके जी, तो इंस्टॉलेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, न्यू टू पाइथन हो गया एंड एवरीथिंग इज डन। नाउ जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्लोज, वंस इट इज डन तो आपका पाइथन बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है। अब अगले स्टेप में इसको VS स्टूडियो के अंदर हमें इंटीग्रेट करना है। तो VS स्टूडियो में आ गए, विजुअल स्टूडियो में वापस आने के बाद हम यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल एक नई फाइल बना लेते हैं। इस फाइल का नाम दे देते हैं test.py। अगेन py देना इसीलिए लाजमी क्योंकि पाइथन है, पाइथन की एक्सटेंशन py होती है। अगर हम HTML पे बात करें तो .html, CSS की बात करें तो .css आती है। जब पाइथन की बात आती है तो पाइथन में .py एक्सटेंशन आती है। ठीक है, तो मैंने py एक्सटेंशन दे दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाईजान आप इसको कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आके अपनी डी ड्राइव के माई ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं test.py फाइल जो है यहाँ पे आके मैंने क्रिएट कर दी, तो मेरे पास पाइथन की फाइल बन गई। सिंपल एज दैट। ओके, अभी हमने और कुछ नहीं किया। ओके, मेरे पास एक एरर आ गया था, मैंने इसको वैसे हटा दिया, उसूल यहीं पे डायरेक्ट पॉपअप एक मैसेज आ गया था, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शो करूँगा कि आप दोबारा कैसे कर सकते हैं। लेट्स जस्ट टेस्ट दिस, तो मैंने प्रिंट लिखा, ठीक है, और इसको हमने कह दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड देन वी जस्ट क्लिक ऑन सेमी कॉलन, तो ये मेरे पास पाइथन का कोड आ गया, राइट हो गया। हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब ये पाइथन को रन कैसे करें, चले जाएंगे टर्मिनल के अंदर, न्यू टर्मिनल अपना ओपन कर दिया। अगेन टर्मिनल वो है जहाँ पे हम कोड लिख के कोड को हम मैन्युअली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब, तो ये कोड हमारे पास आ गया। इस वक्त ये हमारे पास सी ड्राइव निशान पर है, आई विल गो इनसाइड डी ड्राइव, तो यहाँ पे डी ड्राइव में आ गया। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा CD ब्रैकेट्स फॉर माय ट्यूटोरियल्स फोल्डर का नाम, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे test.py, बल्कि सॉरी पहले हम लिखेंगे python test.py एंड इट शुड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, दिस इंडिकेट्स कि आपका पाइथन इंटीग्रेट हो चुका है विजुअल स्टूडियो के साथ सक्सेसफुली। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ पाइथन इंस्टॉल किया, ऐड टू पाथ किया, विजुअल स्टूडियो ने जब इसको रिस्टार्ट किया तो खुद ही पाथ उठा लिया हमारा, पाइथन मेरे पास इंस्टॉल हो गया, ना पाइथन कोड इज रनिंग। लेकिन एवरी टाइम हम ये रन कोड नहीं लिखना चाहते, तो ठीक है, अभी हर दफा का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फोल्डर पाथ वगैरह। मैं चाहूंगा जब मैं कोड लिखूं बटन दबाऊं कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए फिर हम आ जाते हैं एक्सटेंशन के अंदर। जैसे ही हम एक्सटेंशन में आ जाएंगे तो आपके पास काफी सारी एक्सटेंशन यहाँ पे लोड हो जाएंगे, यू विल नोट कि पाइथन जो है वो डिफॉल्ट में पहले पहले आपके पास आ जाएगी। उसूलन जैसे मैंने पहले लिखा था कि जैसे मैंने टेस्ट पाई किया तो ऑटोमेटिकली पॉपअप आया था कि यार पाइथन बना रहे हो और पाइथन आपने इंटीग्रेट नहीं की, इंस्टॉल कर दो, लेकिन हमें उस टाइम बाय डिफॉल्ट कुदरती कैंसिल हो गया। बहरहाल एक्सटेंशन में आ गए, यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें इंस्टॉल कर दूंगा, दिस विल गो एंड डू द इंस्टॉलेशन फॉर मी विद इन दिस विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो पाइथन को मेरे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर ही इंस्टॉल कर देगा, तो उसके बाद मुझे बार बार कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, तो पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, एंड इट विल गिव अस अ मैसेज कि क्या पाइथन इसको ब्लॉक करे फायरवॉल को, तो हम इसको अलाउ एक्सेस कर देंगे। ठीक है, ब्लॉक नहीं करेंगे ताकि मेरा विजुअल स्टूडियो पाइथन के साथ चला सके। तो वंस वी हैव पाइथन इंस्टॉल्ड, अब यहाँ पे एक और हम प्लगइन ढूंढेंगे कोड रनर करके। ठीक है, इसी कोड रनर होपफुली क्या करेगी कि इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, इट शुड टेल यू कि कोड रनर जो है वो C++ या कोई भी प्लग जो होगी। लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन ताकि ये वह ऊपर आ जाए। ठीक है जी, तो कोड रनर हमारे पास क्या करेगी कि इट विल अलाउ अस टू रन एनी कोड डायरेक्टली फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, चाहे वो सी ओ सी प्लस प्लस जावा PHP पाइथन वगैरह। इट्स अ वेरी गुड प्लग इन फॉर योर विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, तो इसको भी हमने कहा जाए भैया तुम भी इंस्टॉल हो जाओ, वंस दिस इंस्टॉलेशन डन तो फिर हम अपने कोड को डायरेक्टली रन कर सकें। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, नाउ आई कम बैक इन टू माई फाइल, और हमने एक फाइल बंद कर दी थी। लेट मी जस्ट री ओपन दिस फाइल, आई थिंक प्रेफरेंस
रिसेंट फाइल कहाँ गया, ओपन रिसेंट, ओपन रीओपन क्लोज एडिटर, यस ये था test.py, फाइल आ गई। जैसे ही अब आ जाएगी, अब आपके पास टॉप राइट कॉर्नर पे प्ले का बटन नजर आ रहा होगा, इफ आई क्लिक ऑन दिस प्ले बटन आपका हेलो वर्ल्ड कोड एग्जीक्यूट हो गया। क्या हुआ, मुझे बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टर्मिनल के ऊपर, और आई कैन जस्ट कम हियर डू एनी चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और प्रिंट लिख लेता हूँ, प्रिंट इसको हम कर देते हैं फर्स्ट python python, और इसको भी मैं सेमी कॉलन दे दिया, एंड देन आई क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, तो जो ही हमने किया तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड दोनों चीजें आउटपुट प्रिंट हो गई। तो अब मुझे क्या हुआ, मैंने जैसे ही चेंजेस की, रन किया, कोड आ गया। सो दिस इज वेरी सिंपल सेटअप दैट यू कैन यूज इन विजन विजुअल स्टूडियो और पाइथन को चलाने के लिए। तो ये दो सेक्शन हमने इंस्टॉल की थी, एक पाइथन की एक रन कोडर की, और इसी तरह से अब मैं विजुअल स्टूडियो कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ तक देखा बहुत अच्छी बात है। वीडियो को छोड़ने से पहले काइंडली कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप पाइथन के बारे में क्या पढ़ना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मेरा पूरा एक डिटेल और एक वीडियो लेक्चर आ जाएगा पाइथन के ऊपर, पूरे 2 से 2.5 घंटे का प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम तफसीली पूरा पाइथन कोर्स को कवर करेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। सी अमानुल्लाह।